एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उस शहर में एक बड़ी मशहूर मार्केट लगती थी। उस मार्केट में हर तरह की दुकानें थीं और जगह जगह खाने पीने की चीज बेचने वाले ठेले लगे थे। वहां हमेशा खाने पीने वालों की भीड़ लगी रहती थी, पर सबसे ज्यादा भीड़ एक छोले कुलचे वाले के पास लगी होती थी। उसका नाम रामचंद था। रामचंद के छोले कुलचे सब जगह बेहद मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसके छोले कुलचे खाने आते थे। रामचंद छोले कुलचे बेचकर काफी अच्छा कमा लेता था। एक दिन की बात है, जब रामचंद के ठेले के पास से सोनचंद गुजर रहा होता है, उसके ठेले पर इतने ग्राहक देखकर उसे बड़ी जलन होती है। वो अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी शीला को अपने भैया के बारे में बताने लगता है। अरे भैया, नोट छाप रहे हैं नोट। पता है कितनी भीड़ थी उनकी दुकान पर? मैं तो देखकर हैरान रह गया। ऐसे लोग लाइन में लगे थे जैसे फ्री में छोले कुलचे बट रहे हो। अब ये सब आप मुझे मत सुनाओ। वो देखो कहाँ पहुँच गए। एक तुम हो कि ढंग का खाने को भी नहीं है। अब तुम मुझे सुनाओ मत और मेरी बात सुनो। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी वही छोले कुलचे का एक ठेला लगाना शुरू कर दूँ। अरे पर उनके छोले कुलचे इतने मशहूर हैं तो आपके कौन खाने आएगा? और वो क्या, आपको बोलेंगे नहीं कि मेरी दुकान होते हुए भी तुमने भी वही काम शुरू कर दिया? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, उनको क्या। अगले दिन सोनचंद एक ठेला खरीद लेता है और उसके बाद वो एक एक करके सारा सामान ले आता है। दोनों पति पत्नी मिलकर सारी तैयारी कर लेते हैं और फिर सोनचंद ठेला लेकर उसी बाजार में अपने भैया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सोनचंद को छोले कुलचे के ठेले के साथ देख रामचंद तो एकदम चौंक जाता है। अब ग्राहक आने लगते हैं पर सब रामचंद के ठेले पर ही जाकर छोले कुलचे खाने लगते हैं। सोनचंद की दुकान पर बस इक्का दुक्का लोग ही जाते हैं। ये क्या हो रहा है, मेरे पास तो कोई आ ही नहीं रहा। मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा। सोनचंद काफी देर तक सोचता रहा और फिर अपने ठेले पर एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है कि एक प्लेट छोले कुलचे के साथ एक प्लेट मुफ्त। रामचंद को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसका भाई सारे ग्राहक अपनी तरफ करने के लिए ऐसी ऐसी तरकीब निकाल रहा है। अब सब लोग फ्री के चक्कर में रामचंद का ठेला छोड़कर सोनचंद के ठेले पर जाने लगते हैं। सब लोग एक प्लेट के पैसे देकर दो प्लेट ले तो लेते हैं पर वो छोले कुलचे रामचंद के छोले कुलचे के आगे कुछ भी नहीं होते। अरे भाई, जो स्वाद रामचंद के छोले कुलचे में है वो बात इसमें नहीं। क्यों भाई, इनमें क्या कमी है? भाई स्वाद की बात है, देख अब सामने सामने दो ठेले हैं तो ग्राहक चाहे पैसे फालतू दे देगा पर खाएगा बढ़िया और स्वादिष्ट चीज। अगर रामचंद का ठेला यहाँ नहीं होता तो बात अलग थी, पर जब हमें पता है कि तुमसे बढ़िया छोले कुलचे सामने वाला बना रहा है तो कोई यहाँ क्यों आएगा। सोनचंद के दिमाग में यही बात बैठ जाती है। अगले दिन सोनचंद अपने भाई के ठेले पर चुपके से जाता है और छोले में कुछ मिला देता है। उसके बाद जो भी रामचंद के छोले कुलचे खाता है बीमार पड़ जाता है। सोनचंद तो बड़ा खुश होता है और उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। हर दिन सोनचंद अब यही काम करता है। वो रोज रामचंद के छोले में कोई चीज मिला देता है जिसके कारण लोग बीमार होने लगते हैं। एक दिन रामचंद की दुकान पर कुछ लोग गुस्से में लाठी डंडे लेकर आते हैं और सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये सब तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? तेरे छोले कुलचे खाकर मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया कि आज वो कोमा में। मैं तो आज तुझे जान से मार डालूंगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एकदम बढ़िया छोले कुलचे बेचता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आदमी इतना गुस्से में होता है कि रामचंद की एक नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं और वो भी रामचंद पर चिल्लाने लगते हैं कि उसके छोले कुलचे खाकर उनके घर वाले हॉस्पिटल में पड़े हैं। सब लोग उसकी पूरे बाजार में खूब बेइज्जती करते हैं। रामचंद बेचारा ये सब सहन नहीं कर पाता और उसी रात आत्महत्या कर लेता है। अब अगले दिन उसका ठेला ही नहीं लगता जिस कारण सब लोग बस सोनचंद की दुकान से ही छोले कुलचे खाने शुरू कर देते हैं। रामचंद की आत्मा को अभी मुक्ति भी नहीं मिल रही होती। वो मरने के बाद भूत बनकर वहीं अपने ठेले के पास भटकता रहता है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान चाहे मुझे कम जिंदगी देता पर कम से कम इज्जत की तो देता। पता नहीं लोग आखिर कैसे मेरे छोले कुलचे खाकर मरने लगे थे जबकि मैं तो हर चीज इतनी अच्छी लाता था। देखो मेरे भाई का ढाबा कितना अच्छा चल रहा है और मेरा ठेला कैसा खाली पड़ा है।
भूत वहाँ खड़े सब देखकर दुखी हो रहा होता है कि इतने में शीला सोनचंद के पास आती है। अरे ये देखो तुम्हारे भाई का ठेला कैसे पड़ा हुआ है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतना बड़ा काम कर पाओगे, पर तुमने तो कर दिखाया। वैसे एक बात तो बताओ, वो तुमने छोलों में आखिर डाला क्या था जिससे लोग बीमार पड़ने लगे थे? अरे वो मैंने एक आदमी से केमिकल लिया था और उसे छोलों में मिला दिया, उसी की वजह से कमाल हुआ है। और मैंने तो सोचा था भैया अपना ठेला लगाना बंद कर देंगे, पर उन्होंने तो आत्महत्या ही कर ली। अब देखो मेरा ठेला कितना बढ़िया चल रहा है। शीला वहाँ से चली जाती है और रामचंद का भूत वहाँ खड़ा सारी बात सुन लेता है। ये सब सोनचंद का किया कराया था, मेरा भाई, मेरा अपना सगा भाई, ठीक है ये मुझसे बात नहीं करता था, मेरे सामने वही काम भी शुरू कर दिया जो मैं करता था, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे साथ इतना बुरा कर सकता है, और मेरे मरने पर ये हंस रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रामचंद के भूत को अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने उसको अच्छा सबक सिखाने की ठान ली थी। अब अगले दिन जब सोनचंद अपना ठेला लगा रहा था तो रामचंद का भूत वहीं खड़ा हुआ था, पर वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो जाता है, सोनचंद छोले बनाने लगता है, पर जब भूत उसके छोले और छोले बनाने का मसाला देखता है तो वो हैरान रह जाता है। छी छी छी, ये तो बिल्कुल सस्ते वाले छोले हैं, और मसाला भी कैसे सील रहा है, टमाटर तो बिल्कुल ही सड़े हुए हैं, मक्खन भी नकली है। अब मुझे समझ आया कि ये कैसे एक प्लेट के पैसे लेकर दो प्लेट छोले कुलचे बेच रहा था, ये तो लोगों की सेहत के साथ खुद खिलवाड़ कर रहा था और बदनाम मुझे करवा दिया। कोई नहीं, मैं इसको आज अच्छे से बताता हूँ। अरे भाई जरा दो प्लेट छोले कुलचे लगाना, एक में बिल्कुल मिर्च मत डालना और एक में टमाटर मत डालना, ठीक है भाई साहब। सोनचंद तीन प्लेट छोले कुलचे बना देता है, भूत सोनचंद के अंदर घुस जाता है और सबको गलत छोले कुलचे की प्लेट दे देता है। बच्चा मिर्च के छोले कुलचे खाकर चीखने लगता है और उसकी बीवी को टमाटर वाले छोले कुलचे खाकर खुजली होने लगती है क्योंकि उसे टमाटर से एलर्जी होती है। वो आदमी बुरी तरह सोनचंद पर चिल्लाने लगता है और तभी रामचंद का भूत उसके अंदर से बाहर आ जाता है। अरे भाई क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर बेमतलब का? बेमतलब? तुझे इतनी देर से एक बात बोल रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही? क्या बोला, मैंने तो नहीं सुना। ग्राहक को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके छोले कुलचे वहीं फेंक कर चला जाता है। सोनचंद को अभी भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या था। वो दूसरे ग्राहकों को छोले कुलचे देने लगता है, पर रामचंद का भूत बार बार सोनचंद के अंदर जाकर सब गड़बड़ कर देता जिससे उसके सारे ग्राहक वहाँ से वापस जाने लगते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी असलियत बाहर आए, पर मैं क्या करूं? भूत बहुत सोचता है और अगले दिन वही केमिकल उसके छोलों में मिला देता है जो सोनचंद ने उसके छोलों में मिलाया था। अब अगले दिन लोग उसके पास लड़ने आ जाते हैं कि उसके छोले कुलचे खाकर बहुत से लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। भाई ऐसे कैसे हो गया, ये तो मेरे भाई के साथ हुआ था। हाँ तो तुम दोनों भाई एक जैसे निकले, लोगों को खराब छोले कुलचे खिलाकर क्या मिलता है तुम्हें? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं मिलाया, सच में मैंने कुछ नहीं मिलाया। तेरा भाई तो मर गया इसलिए हम उसे सजा नहीं दिला पाए, पर हमने तेरे छोले चेक करवाए हैं, इसमें कोई बहुत खतरनाक केमिकल है जो तूने छोलों में मिलाकर ग्राहकों को खिलाया है, तुझे तो अब जेल ही होगी। एक आदमी तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देता है जिससे वो जेल तक पहुंच जाता है। वो जेल में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि आखिर उसने ये काम शुरू ही क्यों किया। फिर वहाँ रामचंद का भूत प्रकट होता है जिसे देखकर सोनचंद हक्का बक्का रह जाता है। घबरा मत, मैं तेरा भाई रामचंद ही हूँ जिसे तूने बदनाम किया और आखिरकार मुझे शर्म में अपनी जान गंवानी पड़ी। तूने मुझसे मेरा ही काम छीनने की कोशिश की और इस हद तक गिर गया कि मेरे छोलों में जानलेवा केमिकल मिला दिया। माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं करूंगा ऐसा, मेहनत का और ईमानदारी का खाऊंगा, अब तो तुझे तेरे किए की सजा मिलकर रहेगी। भूत इतना कहकर गायब हो जाता है। फिर पुलिस उस आदमी को भी पकड़ लेती है जिससे सोनचंद ने वो केमिकल खरीदा होता है। पूरे बाजार में सबको सोनचंद की असलियत पता चल जाती है कि उसी ने अपने भाई के साथ ऐसा घिनौना काम किया था और उसका भाई रामचंद बेकसूर था। सोनचंद उसके बाद पूरे 5 साल की सजा भुगतता है और उसको अक्ल आ जाती है कि उसने कितना गलत किया। रामचंद की आत्मा को अब शांति मिल जाती है और वो चला जाता है।